तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है ब्लैक माफिया आर्मा फेलोनी को अनबॉक्स करने का। इसको अनबॉक्स करके अपनी X01 के साथ मैं कंपेयर करने वाला हूं। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये फेलोनी X01 को हरा पाएगी या फिर नहीं? चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन दोनों के बॉक्सेस देखो यार, कितने ज्यादा डिफरेंट है। दोनों के बॉक्सेस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वेट की बात करूं तो गाइस ब्लैक माफिया फेलोनी का बॉक्स काफी ज्यादा भारी भरकम है, वहीं दूसरी तरफ अपनी X01 का बॉक्स थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा छोटा भी मेरे को लग रहा है। चलो गाइस फटाफट से इसको पहले मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए। 3S की दो बैटरीज डालनी पड़ती है, पर X01 के अंदर 4S की दो बैटरीज डालनी पड़ती है इसको टॉप स्पीड में चलाने के लिए। पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं गाइस ये कितनी ज्यादा बड़ी है अपने X01 के मुकाबले में। बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, तो अब इसको निकालते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। और बाप रे, एक बार इसका साइज तो देखो गाइस, कितना ज्यादा बड़ा है। ये कार तो X01 से भी ज्यादा बड़ी मेरे को लग रही है। ओ माय गॉड, ब्लैक माफिया मतलब गाइस एकदम ब्लैक माफिया कार जैसा ही इसका डिजाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाइस ये ब्लैक माफिया फेलोनी इतनी ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। पीछे की तरफ से भी देखो और आगे की तरफ से, तो भाई एकदम बवाल सा लुक है इसका। ओ माय गॉड, व्हील्स का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है। तो चलो गाइस फटाफट से इसको रख के मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो आर्मा फेलोनी के बॉक्स के अंदर देखो एक और बड़ा सा बॉक्स मिला है। एक बार इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। पहले तो मिला है मेरे को इसका रिमोट, जैसे कि हर एक आर्मा की कार के अंदर रिमोट होता है, बिल्कुल उसी तरह का रिमोट मेरे को लग रहा है। पर यहाँ पे इसके अंदर हुक भी देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। ये इसकी स्टीयरिंग है। यहाँ पे 4 बड़े बड़े नॉब्स है। ऊपर की तरफ 3-4 स्विचेस है और यहाँ पे स्मार्ट बैटरी लेवल इंडिकेटर भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये है स्पेक्ट्रम का रिमोट। आपको पता होगा स्पेक्ट्रम के रिमोट कितने ज्यादा तगड़ी क्वालिटी के होते हैं। तो फिलहाल इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे पार्ट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि ये इसकी यूजर गाइड है, ये इसका वारंटी कार्ड है, ये इसके स्टिकर्स है गाइस लगाने के लिए। स्टिकर्स भी लगा के मैं आपको बताऊंगा कि कार में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है स्टिकर्स लगाने के बाद। यहाँ पे देखो एक और कुछ तो दिया गया यार। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक चीज मेरे को देखने को मिल रही है, अगर इसके अंदर हम लोग गियर्स वगैरह चेंज करते हैं तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पेपर में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देखो ये इसके कुछ टूल्स वगैरह है, इसको रखते हैं साइड में। ये इसका ऊपर का इंजन का पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक इंजन का पार्ट है, आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे रख सकते हो या फिर इसको रिप्लेस भी कर सकते हो ये पार्ट यहाँ पे लगा के। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये एक रबर का पाइप है, ये क्यों दिया गया है मेरे को तो अभी तक समझ आया नहीं गाइस, मेरे को यूजर गाइड में पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये इसका स्पैनर है, कुछ एलंकी भी दी गई है और यहाँ पे इसके अंदर गियर कौन सा डालना है स्पीड बढ़ाने के लिए वो दिया गया है। और देखो गाइस गियर भी आपको दिया गया है साथ में इसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे एक कुछ तो पट्टी वगैरह भी दी गई है। ये कार की सबसे खास चीज मेरे को इसके व्हील्स लग रहे हैं गाइस। सामने के व्हील्स देखो कुछ अलग ही क्वालिटी के यार। और इसकी विड्थ भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा दी गई है X01 के मुकाबले में। इसके व्हील्स और X01 के व्हील्स में आपको कंपेयर भी करके बताऊंगा। पीछे के व्हील्स अगर आप देखोगे ना गाइस पूरी तरीके से चौंक जाओगे। पीछे के व्हील्स तो और भी ज्यादा चौड़े दिए गए। मैं ये बॉडी कवर आपको निकाल के बताता हूँ, फिर देखना गाइस। ओवरऑल इसके बॉडी की फिनिशिंग के बारे में बात करूं या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो गाइस बॉडी के ऊपर फिनिशिंग उतनी खास मेरे को लग नहीं रही है। देख सकते हो यहाँ पे इसकी कटिंग सही तरीके से नहीं करी गई है। यहाँ भी आप देख सकते हो बॉडी यहाँ से निकलने लगी है, शायद यहाँ पे गम वगैरह डालना है। ये निकल चुका है पूरी तरीके से। इस तरफ से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यार। X01 की बॉडी की फिनिशिंग तो बहुत ज्यादा तगड़ी थी, पर इसकी मेरे को उतनी खास लगी नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से ये हिलने लगा है। यहाँ पे एयर वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि X01 के अंदर भी थे, पर X01 की चैसिस के नीचे इस तरीके के एयर वेंट्स दिए गए थे, पर यहाँ पे देखो इसके बॉडी के ऊपर ही एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ मैं आपको बताऊं तो पीछे यहाँ पे भी एक बड़ा सा एयर वेंट आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सा स्पॉइलर इसके अंदर भी दिया गया है। स्पॉइलर जो है पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बाकी की जो बॉडी है एकदम मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी बॉडी को निकाल लेते हैं, इसके ऊपर से देखते हैं अंदर क्या चीजें दी गई है। ओ माय गॉड, देखो गाइस कितनी ढेर सारी चीजें इसके अंदर लगाई गई है। तकरीबन हर एक चीज जो है आपको मेटल में ही देखने को मिलेगी। सामने का बंपर काफी ज्यादा सॉलिड है यार, जैसे कि X01 के अंदर बम्पर था, इसका भी बम्पर बहुत ही कमाल का मेरे को लग रहा है। यहाँ पे देखो अगर ये टूट भी जाता है तो हम लोग रिप्लेस भी इसको कर सकते हैं। सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट,
ऑयल फील्ड मेटल वाले सस्पेंशन है। यहाँ पे आपको एक टी रॉड भी देखने को मिल जाता है, इससे जो है इसकी बॉडी बेंड नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप दो दो बैटरीज लगा सकते हो, यहाँ पे एक बैटरी लग जाएगी और इसको निकालेंगे तो यहाँ पे एक बैटरी लग जाएगी। बैटरी के दो अलग से स्लॉट भी इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे है इसका ESC, ESC के ऊपर फैन है, ऑन ऑफ स्विच है। ये इसका सर्वो है, कंप्लीट मेटल वाला सर्वो इसके अंदर दिया गया है और ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ भी है। यहाँ पे गाइस इसकी मेन चीज, ये इसकी मोटर काफी बड़े साइज की है, मोटर के ऊपर एक फैन भी दिया गया है। मेरे पास आर्मा की बहुत सारी कार्स है पर इतनी ज्यादा बड़ी मोटर मैं सिर्फ फेलोनी के अंदर ही देख पा रहा हूँ। बाकी गाइस अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं या फिर इसकी चेसिस की बात करूं, X01 से बहुत ज्यादा बेटर है। नीचे यहाँ पे कंप्लीट आपको मेटल देखने को मिलता है, सामने यहाँ पे भी मेटल है और ये जो एरिया है पियानो ब्लैक फिनिश ये प्लास्टिक का दिया गया है। पीछे की तरफ भी यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लास्टिक यूज किया गया है। नीचे देखो और एकदम रेड कलर दिया गया है ताकि इसका लुक और भी ज्यादा बढ़ सके। आपने X01 के व्हील्स देखे होंगे, वो बिल्कुल सपाट होते हैं, उसके ऊपर इस तरह के होल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। पर इसके व्हील्स के ऊपर देखो सपाट ये है पर इसके अंदर इस तरीके के डॉट्स दिए गए। पीछे का व्हील काफी ज्यादा चौड़ा है सामने के व्हील के मुकाबले में। सामने के व्हील के ऊपर भी इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। सामने की तरफ इस तरीके का इंजन हुड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्टिकर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो अभी गाइस इसको X01 को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा बड़ी। तो अब मैं ओपन करने वाला हूँ X01 को, दोनों को फटाफट से कंपैरिजन करेंगे। गाइस ये X01 आ चुकी है बाहर, दोनों की लेंथ मेरे को उतनी ही लग रही थी गाइस, पर नहीं, यहाँ पे फेलोनी की लेंथ देखो X01 से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है और ये इसके मुकाबले में थोड़ी सी ऊंची भी मेरे को लग रही है। इसका स्पॉइलर भी इसके मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा है, स्पॉइलर बड़ा होने के कारण ये एकदम स्टेबल तरीके से चलेगी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो हवा आकर पे टकराएगी और इसको एकदम नीचे दबा के रखेगी। बाकी इसका स्पॉइलर छोटा होने के कारण ये थोड़ा सा अनबैलेंस होती है अगर हम इसको हाई स्पीड में चलाते हैं तो। इसके बॉडी की क्वालिटी देख सकते हो बहुत ज्यादा तगड़ी है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इसकी बॉडी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है और ये थोड़ी सी हार्ड भी है। अगर गाइस ये हाई स्पीड में किसी से टकराएगी ना तो मेरे को पक्का लग रहा है कि इसकी बॉडी चकनाचूर भी हो सकती है। तो अभी अंदर के पार्ट्स मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको पार्ट जो है थोड़े से कम देखने को मिलेंगे फेलोनी के मुकाबले में। इसके अंदर आप जहां पे भी देख लो आपको सिर्फ इसके पार्ट्स ही पार्ट्स नजर आ जाएंगे। इसके अंदर तकरीबन जो पार्ट्स है मेटल के यूज किए गए, इसके अंदर तकरीबन जो पार्ट्स है प्लास्टिक के ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको ये जो बड़ा सा गियर दिख रहा है ना ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, पर इसके अंदर वो वाला गियर देखो मेटल का देखने को मिल जाएगा। दोनों की मोटर का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अंदर भी दो बैटरीज लगानी पड़ती है, यहाँ पे बैटरी का अलग से स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे आप सस्पेंशन भी देख सकते हो, थोड़े से कमजोर मेरे को लगते हैं इसके फेलोनी के मुकाबले में। थोड़ा सा मेटल आपको देखने को मिलेगा, बाकी साइड में प्लास्टिक दिया गया है। व्हील्स की बात करूं तो गाइस आप देख सकते हो दोनों के व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज के ही देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सामने के व्हील्स और पीछे के व्हील्स बिल्कुल सेम साइज के हैं, पर इसके व्हील्स थोड़े से डिफरेंट साइज के दिए गए हैं। इन दोनों की ग्राउंड क्लीयरेंस दिखाने के लिए दोनों को मैंने नीचे रख दिया है। फेलोनी की ग्राउंड क्लीयरेंस X01 से थोड़ा सा ज्यादा दी गई है और गाइस आप इसको ऑफ रोड में भी चला सकते हो, ग्रास में भी चला सकते हो, यहाँ तक कि आइस में भी चला सकते हो, बॉक्स के ऊपर ऐसा दिया गया। ये कार वाटर प्रूफ भी नहीं है, आप इसको सिर्फ ऑन रोड पे ही चला सकते हो। चलो गाइस एक बार इसको ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर ये बड़ी सी बैटरी डालनी पड़ती है इसको हाई स्पीड में चलाने के लिए। तो एक बैटरी मैं लगाऊंगा यहाँ पे और दूसरी बैटरी लगाऊंगा यहाँ पे। ये देख लो कनेक्ट हो चुकी है पहली वाली बैटरी। अगर आप इसको कम स्पीड में चलाना चाहते हो तो गाइस ये जो कनेक्टर है इसको इसी तरीके से रखना पड़ेगा। अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाना चाहते हो तो दूसरी बैटरी भी यहाँ पे लगानी पड़ती है, जैसे कि अभी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको हाई स्पीड में चलाऊंगा। गाइस अब करते हैं इसको ऑन। ऑन कर दिया मैंने। ओके गाइस अब ये रिमोट से कनेक्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पे इसकी बॉडी कवर लगा देते हैं। देखो स्टीयरिंग तो ठीक ठाक तरीके से इसकी काम कर रही है। अब इसको एक बार चला के दिखाता हूँ मैं। अरे बाप रे गाइस देखो ये इतना ज्यादा शोर मचा रही है कि यार मेरे को कुछ भी सुने नहीं आ रहा है। गाइस सच में ये कार X01 की टक्कर की मेरे को लग रही है। और तो और देखो गाइस इसके अंदर एक और कमाल की चीज मैंने देखा है अभी, X01 के जैसा ही देखो TSM भी देखने को मिल जाता है।
यार ये कार को देख के मेरे को तो डर लगने लगा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को लिमिटलेस और वेंडेटा भी खरीदने के लिए बोला था। इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स करो तब मैं वेंडेटा और लिमिटलेस भी जरूर से खरीद के लेके आऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो पार्ट टू वाली वीडियो में इसको मैं प्रॉपर तरीके से रोड पे हाई स्पीड में टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है शयान, समर सिंह, रंजीत, आयुष, प्रकाश, अवजीत, अनय, जरुण, नवीन, अक्षय। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।